लोकतंत्र सेनानी संघ रायपुर जिले के सेनानी परिवारों ने बुधवार को संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने के नेतृत्व में कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन सौंपा। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो तानाशाही कर आस्था प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ मीसा बंदियों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। उपासने ने कहा कि राज्य सरकार ने मीसा बंदियों की सम्मान राशि बंद कर दी और सत्यापन की बात कही, मगर 40 दिन बाद सत्यापन के नियम और शर्तें सरकार ने कलेक्टर को नहीं भेजी। इसके पीछे सरकार की मनसा साफ है कि न सत्यापन कर रहे हैं न सम्मान निधि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन के अंदर सत्यापन का काम नहीं हुआ तो सभी 26 मार्च को राजधानी में धरना देंगे, उसके बाद प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई जाएगी। आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मुख्य मांग सत्यापन की आड़ में फरवरी माह से स्थगित रखी पेंशन है। आपातकाल के दौरान जो एक तानाशाही का राज था, प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई थी, उस प्रजातंत्र की वापसी के लिए और 19 महीने तक और की अवधि तक जेल की यातनाएं सहने वाले ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को पिछली सरकार ने सम्मान से नवाजा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि सम्मान के माध्यम से और विभिन्न स्तरों पर सम्मान निधि प्रतिमा प्रदान की जा रही थी। और ये नवनिर्वाचित सरकार कांग्रेस की सरकार ने सरकार में आते ही 28 जनवरी 2019 को एक आदेश पारित करके कि मीसाबंदियों का, राजनीतिक बंदियों का, सामाजिक क्षेत्र का के में जो मीसा DIR में बंद हुए उनके सत्यापन के नाम पर और माह फरवरी से पूरे प्रदेश में सम्मान निधि पर रोक लगा दी गई और 28 जनवरी 2019 के बाद ये कहा गया था कि सत्यापन हम करेंगे, उसकी नियम शर्तें कलेक्टरों को भेजी जाएगी, लेकिन आज तक नियम शर्तें जो है प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों को नहीं भेजी है। हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि यदि 15 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर हमारा सत्यापन का काम रायपुर ज़िले में नहीं होता है तो पूरे प्रदेश के सभी मीसाबंदी परिवार सहित 26 मार्च को रायपुर के धरना स्थल पर और सब परिवार एक दिवसीय धरना देंगे, उसके बाद वहां आगे की रणनीति तय करेंगे और इस प्रदेश में जिस प्रकार से आपातकाल के दौरान सबने आंदोलन किए थे उसी प्रकार इस प्रदेश में भी आंदोलन की रूपरेखा पूरे प्रदेश की बनाई जाएगी। मीसा बंदियों ने आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल की यातनाएं सही। मीसा बंदी परमेश्वरा नंद ने कहा, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, मीसा बंदियों का पेंशन सत्यापन के नाम पर रोक दिया गया है, उसी मांग को लेकर कलेक्टर के सामने ज्ञापन सौंपा गया। जब से नई सरकार आई छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों का पेंशन सत्यापन के नाम में रोक दिया गया है, तो नियम है कि 40 दिन के अंदर सत्यापन हो जाना चाहिए था, सत्यापन हुआ नहीं और सरकार ने क्या किया, जिलाधिकारियों को कोई अभी तक कोई नियम कायदा भेजे नहीं है, जिसके चलते क्या हुआ तो उनको मनसा ठीक नज़र नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने आज कलेक्टर के सामने ज्ञापन दे रहे हैं कि मीसाबंदियों का जो मीसा है जो रुका हुआ है उसको तुरंत दिया जाए, नहीं तो हम लोग 26 तारीख को 26 मार्च को प्रदेश स्तर के सभी मीसाबंदी लोग इकट्ठा होकर के आगे के जो निर्णय है हम लोग वहाँ पर निर्णय लेंगे बैठ करके। तो इसी संबंध में आज हम लोग आए यहाँ पर और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मुख्य मांग सत्यापन की आड़ में फरवरी माह से स्थगित रखी पेंशन है। आपको बता दें कि प्रदेश में 320 और रायपुर में 76 मीसाबंदी है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नीताम के साथ रीचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।